Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि योगा का एक इंडिया का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें एडमिशन नोटिस आया है. एडमिशन नोटिस टू CCYPI जनवरी से मार्च 2020, 3 मंथ्स का जो कोर्स होता है इसके लिए नोटिस आया है. इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ. मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एडमिशन जो है 3 मंथ्स कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होता है, और जो कैंडिडेट्स योगा से 3 मंथ्स का कोर्स करना चाहते हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से, और इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो जो कैंडिडेट्स योगा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं. अब मैं आपको 3 मंथ्स के कोर्स के लिए जो नोटिफिकेशन आया है इसकी जानकारी दे रहा हूं. मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अशोक रोड न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट है. एडमिशन नोटिस के लिए जानकारी है, 3 दिसंबर 2019 का नोटिस है. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, आपको इसमें पूरी जानकारी हो जाएगी. सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा फॉर प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, CCYPI प्रोग्राम का नाम है. 3 मंथ ड्यूरेशन इसकी, 3 महीने का ये कोर्स होता है. एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द नॉन रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा फॉर प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर CCYPI फॉर ऑफ 3 मंथ्स ड्यूरेशन फॉर द बिलो गिवन वेन्यूज. इन वेन्यूज में ये कोर्स हो रहा है. जो वेन्यू है, योगा सेंटर वेन्यू है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा. यहाँ पे मैक्सिमम सीट 60 है. इसके बाद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग और पूल कॉम्प्लेक्स, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, टलकाटोरा गार्डन न्यू दिल्ली में 60 सीट है. तीसरे पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, दिल्ली, 60 सीट है. चौथे पे है इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, IP स्टेट नियर राजघाट, ग्रैंड ट्रंक रोड, दिल्ली, 60 सीट है. पांचवे पे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली, 30 सीट्स हैं. छठे पे MDNAY योगा सेंटर, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, लाजपत भवन, लाजपत नगर 4 न्यू दिल्ली में 30 सीट्स हैं. और 7 पे अमेठी सेंटर ऑफ फॉर योगा एजुकेशन थेरेपी एंड रिसर्च अंडर द एजेस ऑफ MDNAY, FFG ब्लॉक स्विमिंग पूल एरिया सेक्टर 125, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा UP, 30 सीट्स हैं. तो यहाँ पे जो टाइमिंग होगी मंडे टू फ्राइडे 4:30 PM to 7:30 PM 3 घंटे की क्लास होगी, और सैटरडे एट MDNAY में 7 AM to 11 AM तक की क्लास होगी. तो यहाँ पे ये टाइमिंग है, और अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है. और ये जो MDNAY योगा सेंटर में जो टाइमिंग है और MET यूनिवर्सिटी में जो टाइमिंग है, ये 7 AM to 10 AM है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को MDNAY में 7 AM to 11 AM है. एलिजिबिलिटी है इसके लिए पास इन 10th क्लास प्रोमा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट. सेकेंड पे फाउंडेशन कोर्स इन योगा साइंस फॉर वेलनेस 50 आवर्स फ्रॉम MDNAY और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी. योगा इंस्ट्रक्शंस रिकॉग्नाइज्ड और एक्रेडिटेड बाय योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय एडमिशन कमिटी और योगा प्रोफेशनल्स हैविंग अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एक्टिव टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन योगा विद वैलिड डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ पे नोट है, Those who are currently undergoing the course are not eligible to apply. जो अभी ये कोर्स कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है. The candidates must be medically fit. No person with chronic ailments is allowed to take admission. इसमें जो सिलेक्शन होगा, the selection will be made on the basis of performance in entrance test. Entrance test के बेसिस पे एडमिशन होगा, जो कि 14 दिसंबर 2019 को होगा. Entrance test. Entrance test will consist on 50 objective question. बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ फाउंडेशन कोर्स इन योगा साइंस, जो कि फाउंडेशन कोर्स का जो सिलेबस होता है योगा साइंस का, उस पर बेस होंगे. फॉर वेलनेस बींग कंडक्टेड एट बाई MDNAY, जो कि MDNAY में जो कोर्स हो रहा है. द टाइमिंग्स ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल बी 10 AM to 11 AM एंड क्लियरिंग ऑफ द मेडिकल टेस्ट.
जो इंटरन टेस्ट होगा वो 10 से सुबह 11 बजे तक होगा, और इसमें मेडिकल टेस्ट को क्लियर करना होगा। फी स्ट्रक्चर है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, अदर देन एससी एसटी के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोफेसर 250 है सबके लिए। कोर्स फी जो है अदर देन SC ST 6,000, SC ST के लिए 3,000। एग्जामिनेशन फी अदर के लिए 500, SC ST के लिए 500। सर्टिफिकेशन फी 250 है सभी के लिए, तो टोटल जो होगा अदर देन SC ST 7,000 है और SC ST के लिए 4,000 है। कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 से कोर्स प्रारंभ होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश में होगा। टाइमिंग ऑफ द क्लास एज पर द गिवन इन द अबाउट टेबल, द टाइमिंग में बी चेंज्ड एज एंड व्हेन डिजायर्ड नेसेसरी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो टाइमिंग होगा जो कि जैसे कि ऊपर टाइमिंग बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग होगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है 30 सीट्स पर बैच। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST OBC एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 15% सीट्स ओवर एंड अबव द टोटल सीट्स शैल बी फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स। 5% सीट्स ओवर एंड अबव द टोटल सीट्स शैल बी फॉर पर्सन विद डिफरेंटली एबल्ड। अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है इसकी जानकारी दे रहा हूं। डिटेल्स एंड डेट्स हैं, कमेंसमेंट ऑफ सेल ऑफ एडमिशन ब्रोशर अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिस ऑफ MDNI MDNI 68 अशोक रोड न्यू दिल्ली। जो डेट्स है ये 2/12/2019 से शुरू हुआ है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2019 टिल 4 PM तक। डेट एंड टाइम ऑफ इंट्रेंस टेस्ट एट MDNI डेट एंड टाइम है 14 दिसंबर 2019 को होगा 10 AM to 11 AM। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 17 दिसंबर 2019 को आएगा। तो जल्दी मैं इसका जो सिलेबस है ये अपलोड कर दूंगा। इंट्रेंस टेस्ट से यहां पे एडमिशन होगा। जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।